अब आपको लिए चलते हैं मुंबई। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियों को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होने वाली है। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में यह बैठक वर्ली साइंस सेंटर में शुरू होगी। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। इसके लिए महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता आज मंथन करने वाले हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी और इंडिया की मुंबई बैठक से पहले मीटिंग भी चल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, इससे पहले एक बैठक पटना में, बेंगलुरु में और अब ये तीसरी बैठक मुंबई में, क्या अपडेट मिल रहे हैं? कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए पूजा, मैं इस वक्त मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू साइंस सेंटर में मौजूद हूं और अब से चंद मिनट पहले शरद पवार मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज एमबीए की ये मीटिंग है और मीटिंग का जो एजेंडा है, वो एजेंडा जो ये तय किया गया है कि इंडिया की जो बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर के दिन जो बैठक होगी उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए कि जयंत पाटिल पहुंचे हुए हैं, शरद पवार पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ नाना पटोले पहुंचेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में पार्टी के जो तमाम आला नेता हैं वो सभी पहुंचेंगे और एजेंडा यही होगा कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है, इस बैठक को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए, क्योंकि 31 और 1 तारीख को जब ये बैठक होनी है तो देश भर के तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। 100 से ज़्यादा नेताओं के इकट्ठा होने की बात कही जा रही है। ऐसे में इस आयोजन को सफलतापूर्वक किस तरीके से किया जाना है वो एक चुनौती है और उसी को लेकर ये बैठक है और रणनीति तय की जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को, कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी इस मीटिंग में शामिल होंगे तो महाविकास अघाड़ी के नेता के तरफ से और खास तौर पे कांग्रेस की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि शिवसेना ये चाह रही है कि जब जो है वो भी काफी अहम रहने वाली है आगे, और ये कहा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको दिखाएंगे बागेश्वर सरकार का चौंकाने वाला अवतार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।